हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज एक किचन वीडियो है और जस्ट मैं ये टी रेडी करने जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं ये चाय रेडी करूँ। और जिन लोगों को भी एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है, डाइट करना नहीं, थोड़ी बहुत डाइट, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप फूड बंद कर दो, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत डाइट कर लेते हो तो आप अगर इस चाय को पियोगे तो यकीन मानिए आप बैठे वेट लॉस करोगे। यानी कि आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। इस चाय के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये विदाउट एक्सरसाइज, जस्ट लाइक अगर आप एक्सरसाइज करते हो और उस तरह से आपका चर्बी या फिर वजन कम होता है, ये बिल्कुल बॉडी में जाके उतनी गर्मी दे देगी। यानी कि मैं एक चीज़ ये समझाना चाहती हूँ आपको एग्जैक्टली कि जिस तरह से जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, बॉडी हीट होती है, सेम ये चाय आपके बैठे बैठे आपकी बॉडी को हीट करेगी और आपकी बॉडी से पसीने को निकालेगी और पसीने के रूप में अंदर की चर्बी को पिघलाएगी। तो जी हाँ, ये चाय एग्जैक्टली बैठे बैठे आपका वजन कम करेगी अगर आप कुछ डाइट साथ में करते हो। एकदम डाइट पे जाने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ी बहुत डाइट अगर साथ में करते हो और इस टी को लेते हो तो यकीन मानिए आपका वजन बहुत ही जल्दी कम होने वाला है। और स्पेशली ऑफिस वाले लोग या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज करना प्रेफर नहीं करते हैं या फिर वो कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जस्ट लाइक जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है, जिनको पैरों की प्रॉब्लम होती है, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं क्या है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टी है क्योंकि ऑलरेडी उसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टी को बनाने के लिए आपको चाहिए एक ग्लास पानी, अच्छे से गर्म होने दीजिए। फिर आपको चाहिए एक चम्मच सौंफ, आप चाहे मसाले वाली सौंफ लीजिए चाहे मीठी कोई भी सौंफ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद आपको चाहिए एक स्टिक इतना बड़ा तक, एक से डेढ़ इंच तक दालचीनी, और इसे ऐसे ही बॉयल होने के लिए छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये बॉयल होने लगा है। अब आपको इसको ऐसे ही यानी कि लो फ्लेम पे एक से दो मिनट तक बॉयल करनी है ताकि ये सिनेमन एंड जो सौंफ मैंने डाली है इसका जो एक्सट्रैक्ट है इस वाटर में बहुत अच्छे से आ जाए। तो एक से दो मिनट तक आपको इसे ऐसे ही बॉयल करना है। एंड सौंफ आपके डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करेगा, जिससे कि आपका जो भी पेट में गंदगी है, जो भी आप खाते हो, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। दालचीनी आपकी बॉडी से शुगर लेवल को कम करेगी, यानी कि चर्बी को चढ़ने ही नहीं देगी बिल्कुल भी। तो इसे ऐसे ही एक दो मिनट तक बॉयल करिए। तो एक दो मिनट बॉयल करने के बाद आप देख सकते हैं सारे स्टैक वाटर में आ गए हैं। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि आपको इसमें क्या ऐड करना है। तो मेरी जो चाय है वो बनके रेडी है और आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद आपको चाहिए यहाँ पे किसी भी कंपनी का हनी, मैंने यहाँ पे डाबर का लिया है, आप पतंजलि का भी ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून, इससे कम नहीं लेना है आपको, 2 टेबल स्पून ये आपको लेना है। और ये जो टी है ये आपको सुबह खाली पेट लेनी है और रात में लेनी है, यानी 2 टाइम आपको इसे लेना ही लेना है। उसके बाद आप देखिए कि आपका बैठे बैठे वजन कम होगा। थोड़ी बहुत डाइट करिए, बहुत ज़्यादा मैं डाइट भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत डाइट करिए। जंक फूड से दूर रहिए, फास्ट फूड से दूर रहिए, घर का सिर्फ खाना खाइए, उसके साथ ये ड्रिंक ले लीजिए। देखिए आपका जो फैट है वो मोमबत्ती की तरह पिघलने लगेगा। देखा, इस टी को बनाना बहुत आसान है और इस टी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा से ग्लो करेगी और बॉडी से चर्बी जो है बहुत तेजी से गलेगी। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।